Good morning, students. Hope you all will be well at home and studying. Okay. So, in the last class, we have studied about a method of inserting a rational number between the two given rational numbers. ठीक? आज हम second method देखने जा रहे हैं उसी का, जो कि आपकी book में given है. ठीक है? We need to find three rational numbers between 1/4 and 5/3. यहाँ पे हमारे पास दो rational numbers हैं, 1/4 और 5/3. हमें इसके बीच में तीन रैशनल नंबर्स फाइंड करने या इंसर्ट करने, बोथ आर सेम थिंग, है ना? तो क्या मेथड है देख लेते हैं. सबसे पहले हम देख लेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है, 1/4 या 5/3. तो कंपैरिजन करना हमने सीखा हुआ है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं इसको, है ना? तो 1/4 इज लेस देन 5/3. तो 1/4 लेस हो गया. अब हमें करना क्या है, बीच वाला नंबर, हमें इन दो नंबर्स के बीच का नंबर फाइंड करना है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों नंबर्स को ऐड करना है और मल्टीप्लाई बाय 1/2 करना है. ठीक है, दोनों नंबर्स को ऐड करो और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस यही करना है. किसी भी दो नंबर्स के बीच में अगर हमको कोई नंबर फाइंड करना है, ठीक, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 1/4 और 5/3 को. मेथड बहुत इजी है. ठीक, आप एलसीएम लेकर के ऐड कर दो, ऐड करना आपको सीख आता है ना, आपने पहले ही सीखा हुआ है. ठीक, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक, कैसे होता है. एक तरीका यह भी है ऐड करने का, कि आप क्या करो, दो डिनोमिनेटर्स है, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को आप कर दो मल्टीप्लाई, तो 4 × 3 विल बिकम 12. और फिर उसके बाद आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई नंबर्स को, 3 × 1, 3 × 1 विल बिकम 3 एंड 4 × 5 विल बिकम 20. ठीक, तो ये नंबर्स आपके ऐड हो जाएंगे, 3 और 20 विल बिकम 23/12. अब 1/2 से मल्टीप्लाई करना है 23/12 को, तो ये बन गया हमारा 23/24. ठीक, तो अब आप देखो 23/24 जो है इन दोनों के बीच का एक नंबर हो गया. ठीक, ये 1/4 से ग्रेटर है और 5/3 से लेस है, तो एक नंबर हमको मिल गया. अब इसी तरह से हमको दो नंबर्स और फाइंड करने हैं. ठीक, तो अब इसके लिए हम क्या करें, या तो इन दो नंबर्स के बीच में हम फाइंड कर लें एक और नंबर, या फिर इन दो के बीच में फाइंड कर लें नंबर, है ना? तो सबसे पहले हम जो फाइंड करने जा रहे हैं वो 23 अपॉन 24 और 5/3 के बीच का एक और नंबर फाइंड कर लेते हैं. मेथड बिल्कुल यही रहेगा हर बार, इन बिटवीन नंबर फाइंड करने के लिए. ठीक है, कैसे करेंगे, वापस से दोनों नंबर्स को ऐड करो और मल्टीप्लाई बाय 1/2 करो. ठीक, तो हम दोनों को ऐड कर रहे हैं बाय टेकिंग एन एलसीएम 24, और 3 का एलसीएम 24 आएगा, तो 23 + 40 / 24 दिस विल बिकम 63/24. 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 63/48. न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है. ठीक, तो 63/48. अब ये 63/48 हमने किस दो नंबर्स के बीच में फाइंड किया, 23/24 और 5/3 के बीच में. तो हमने इसलिए यहां पर जब लिखा इस 63/48 को, तो वो इन दो नंबर्स के बीच में लिखा है. ठीक है, तो अब हमें दो नंबर्स मिल गए 1/4 और 5/3 के बीच में, एक नंबर और फाइंड करना है. तो अब आप चाहो तो या तो इन दोनों के बीच में फाइंड कर लो, या इन दोनों के बीच में फाइंड कर लो, या फिर इन दोनों के बीच में फाइंड कर लो. ठीक, कहीं पर भी किसी भी दो नंबर्स के बीच में आप फाइंड कर सकते हो. मेथड हर बार वही रहेगा, दोनों को ऐड करो और मल्टीप्लाई बाय 1/2 करो. ठीक है, तो अब हम जो कर रहे हैं वो 23/24 और 1/4 के बीच में एक और नंबर फाइंड कर रहे हैं. ठीक, तो हमने क्या किया, 1/4 + 23/24 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, ऐड किया, वही प्रोसेस सेम रिजल्ट आया 29/24. 1/2 से मल्टीप्लाई किया विल बिकम 29/48. तो आपके पास एक और नंबर आ गया जो कि 1/4 और 23/24 के बीच में. ठीक, तो अब आप देख सकते हो कि 1/4 और 5/3 के बीच में कितने नंबर हो गए टोटल, 1, 2, 3, और 3 ही हमें रिक्वायर्ड थे. तो आप फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 5/3, 29/48, 23/24 और 63/48. ठीक है, ये एक मेथड हो गया. ठीक, और उससे पहले के मेथड हम देख चुके हैं. ठीक है, ओके ओके. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. ठीक, नंबर लाइन आपने पहले जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी है ना. ठीक, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. एक रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन आप जो बचपन में देखा है आपने, इससे प्रीवियस क्लासेस में आपने इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन देखा है वहां पर. ठीक, अब इंटीजर्स की जगह हम रैशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं नंबर लाइन. ठीक, तो वी आर कंटिन्यूइंग विद द एग्जांपल. ठीक,
we have to represent 2 by 5 on the number line. We are having two methods over here. ठीक, हम पहले इस method को देख लेते हैं, फिर दूसरा भी देखते हैं। आपको क्या करना है, आपको पता होगा नंबर लाइन का बेसिक, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि नंबर लाइन पे एक जीरो होता है और जीरो की राइट हैंड साइड पे सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं और जीरो की लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं। ठीक, तो मैंने जो अपनी नंबर लाइन स्टार्ट की है वो जीरो से स्टार्ट की है, क्योंकि मेरा जो नंबर है यहाँ पे रिप्रेजेंट वाला वो 2 by 5 है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए मैंने जीरो की राइट हैंड साइड से नंबर्स रिप्रेजेंट किए हैं अभी। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड वाले नहीं बनाए, उनकी जरूरत नहीं है इसकी। ठीक, अब मेरा नंबर 2 by 5 है, तो मैंने क्या किया, मैंने सारे जीरो से स्टार्ट किया और इक्वी डिस्टेंट पे सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए। पहले मैंने एक पॉइंट लिया, फिर सेकंड पॉइंट, इस तरह से मैंने पॉइंट पॉइंट मार्क कर लिए और सभी इक्वल डिस्टेंस पे मार्क होने चाहिए, है ना। आप स्केल की हेल्प से कर सकते हैं, आइदर यूजिंग 1 centimeter और 2 centimeter डिस्टेंस। ठीक, 1 centimeter पे मार्क कर लें या 2 centimeter के डिस्टेंस पर पॉइंट्स आप मार्क कर लें। फिर फर्स्ट पॉइंट को आप नाम दे दें 1.5, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपका 2 by 5, नेक्स्ट हो जाएगा 3 by 5, 4 by 5, 5 by 5, इस तरह से आगे और नंबर्स कंटिन्यू हो जाएंगे 6 by 5, 7 by 5, 8 by 5। ठीक, अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो नंबर है वो है 5 by 5, 5 upon 5 मतलब that is 1 only, तो यहाँ पर 0 के बाद इधर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक, और उसके बीच में ये बाकी के नंबर्स आ रहे हैं 1 by 5, 2 by 5, 3 by 5, 4 by 5। ठीक, तो 0 से 1 के बीच में आप देखेंगे कितने सारे नंबर्स हमने लिख दिए। ठीक, अब हमें रिप्रेजेंट कौन सा नंबर करना है, हमें रिप्रेजेंट करना था 2 by 5। ठीक, तो आप देख सकते हैं 2 by 5 हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा सर्कल करके रिप्रेजेंट कर देंगे ताकि अलग से इंडिकेट हो जाए, और यहाँ पे इस तरह से एरो बना के आप पॉइंट का चाहो तो नाम लिख दे, है ना। ये पॉइंट पी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 by 5 को। ठीक है, अब इसका सेकेंड मेथड देख लेते हैं, ये भी एक मेथड है और जो दूसरा मेथड है जो आपकी बुक में दे रखा है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। ठीक, यहाँ पर अब सेकेंड मेथड में हमको क्या करना है, सेम वही 2 by 5 का रिप्रेजेंटेशन है बट दूसरा तरीका है, थोड़ा सा अलग है बिल्कुल। ठीक, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला पॉइंट 0 ले लेना है, ठीक, और फिर 2 मार्क कर लेना है। ठीक, कहीं पर भी आप 2 मार्क कर लें आगे। ठीक, और फिर उसके बीच में अब आप देखो यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 इक्वल डिविजन बनाएंगे। 0 से 2 के बीच का जो गैप है, जो ये डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 5 इक्वल पार्ट्स में मैंने ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है इस सेक्शन को। ठीक, और ये सब बराबर है, स्केल की हेल्प से आप कर लेना। ठीक, तो सबसे बेटर तरीका ये होता है कि आप पहले ही 1 centimeter के डिस्टेंस पर पॉइंट्स मार्क कर लो, और क्योंकि 5th 2 by 5 है तो 5th वाले पॉइंट को आप 2 मार्क कर लें। ठीक, अब पहला पॉइंट जो होगा, फर्स्ट पॉइंट, वो आपका 2 by 5 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट होगा ये आपका क्या हो जाएगा, 2 by 5। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर 2 by 5। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। रिप्रेजेंट 9 - 9/4 ऑन द नंबर लाइन। अब नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, तो मैंने 0 को यहाँ पर ले लिया। ठीक, 0 यहाँ पे लिया और नेगेटिव नंबर्स हैं तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे, पॉजिटिव साइड के नंबर्स मैंने अभी तक नहीं लिखे, बट चाहे तो हम लिख सकते हैं 1/4, 2/4, पॉजिटिव भी जरूरत नहीं है बट मैंने लिख दिया दिखाने के लिए। ठीक, नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट -9/4। मैंने पहला नंबर लिया, इक्वल डिविजन बनाए सबसे पहले तो 1 centimeter के डिस्टेंस पर पॉइंट्स मार्क करके। 0 के बाद फर्स्ट पॉइंट -1/4, -2/4, -3/4 और फिर -4/4 था यहाँ पर, तो -4/4 को हम -1 लिख सकते हैं। अभी बताया मैंने वहां पे 5/5 है तो 1 हो गया, या -4/4 था तो -1 हो गया, फिर -5/4, -6/4, -7/4, देन -8/4, -8/4 को मैंने -2 लिख दिया सिंप्लीफाई करके, फिर उसके बाद -9/4, ये रहा हमारा पॉइंट -9/4, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। इसको आप चाहो तो पॉइंट क्यू नाम दे दो, या कुछ भी आप जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, पी क्यू आर एस ए बी सी डी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव द नेम। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा पॉइंट क्यू रिप्रेजेंट -9/4। और दूसरा मेथड से अगर हम देखें, सेकंड मेथड जो मैंने वहां पे भी बताया, तो आप देखो 0 से लेके 9 तक मैंने क्या कर दिया, एक पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक, और क्योंकि डिनोमिनेटर 4 है
तो जीरो से नाइन के बीच, सॉरी जीरो से माइनस नाइन के बीच का जो गैप है उसको हमने चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1, 2, 3, 4 ठीक। तो अब जो ये फर्स्ट पॉइंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, माइनस 9/4 ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा मेथड है ठीक, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, जो आपको इजी लग रहा है वो मेथड आप यूज करो, आइदर दिस और दिस, दोनों से ही आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ठीक है। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर। व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू? एब्सोल्यूट वैल्यू इज नथिंग, इट इज जस्ट एन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर। न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स वैल्यू विदाउट इट्स साइंस। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखें आप, यहाँ पे -3/5 एक रैशनल नंबर है। अब अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, किसी भी रैशनल नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ ऐसे ये साइन लगा देते हैं, दो बार्स ऐसे लगा देते हैं, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब ये बार्स हटेंगे तो ये जो नंबर है, ये रैशनल नंबर, ये हो जाएगा पॉजिटिव। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर इज अ वैल्यू विदाउट साइन, बस साइन नहीं लगेंगे इसमें ठीक। यहाँ पर जैसे 7/-9 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई, 7/9। -10/-19 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई, 10/19। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है, सपोज कोई नंबर पॉजिटिव है 5/8, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगी, 5/8 ओनली। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी ठीक, बस नेगेटिव साइन हट जाते हैं ठीक। तो ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू ठीक। अब आपका एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है ठीक, देख लेते हैं अपन इसको। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आपको, यू हैव टू वेरीफाई दिस रिलेशन, एक्स प्लस वाई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई। इस रिलेशन को आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है मतलब आपको चेक करना है कि इसमें वैल्यू डालने पर ये रिलेशन ट्रू हो रहा है या नहीं ठीक। तो हम बस वैल्यूज पुट करेंगे जो हमको गिवन है, यहाँ पे x इक्वल्स टू -9/7 गिवन है और y इक्वल्स टू 3/4 गिवन है ठीक। तो हम सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई है, तो उसमें हम वैल्यू डालें -9/7 + 3/4। अगेन वही सम करना है दो रैशनल नंबर्स का, बहुत इजी है, एलसीएम लेना होगा हमको ठीक। यहाँ पर एलसीएम आएगा 7 और 4 का 28 ठीक। तो 7, 4 का 28 एलसीएम, यहाँ पे आप चाहो तो इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, 7 × 4 कर दें मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 9 और 7 × 3। 4 × 9 -36 हो गया और 7 × 3 = 21 हो गया ठीक। अब -36 + 21 है, इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम -15/28। एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए क्योंकि साइन अभी तक हमने हटाया नहीं है ठीक। अब साइन हटाएंगे तो ये नंबर हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, दैट इज 15/28 ठीक। तो LHS को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 15/28। अब नेक्स्ट RHS पे आते हैं। हमारा RHS था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं -9/7 और 3/4। तो -9/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/7, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, 3/4 ठीक। वापस अगेन सेम प्रोसेस, एलसीएम लिया ठीक। एलसीएम लेने पे ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 9 × 4 = 36, 7 × 3 = 21 और 7 × 4 = 28 नीचे मल्टीप्लाई हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे अब तो नंबर हो गया 57/28। तो ये हमारा RHS की वैल्यू आ गई 57/28 और LHS हमारा आया था 15/28। आपके पास RHS और LHS दोनों वैल्यू हैं, आप कंपेयर करोगे इनको तो आपको पता चलेगा कि 15/28 जो वैल्यू है वो लेस है क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है ठीक। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, लेस। तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशन था उस रिलेशन में गिवन था कि LHS इज लेस देन इक्वल टू RHS, लेस देन एंड इक्वल टू दोनों लगा हुआ है यहाँ पे ठीक। तो लेस देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब ये जो है ये रिलेशन क्या है, यहाँ पर ट्रू है फॉर दीज वैल्यूज। यहाँ पर ये रिलेशन हमारा ट्रू हो गया क्योंकि लेस देन हो रही है LHS एज कम्पेयर टू RHS, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया दिस रिलेशन इज ट्रू ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है ठीक। तो पूरा चैप्टर आप एक बार देख लेना, जहां कहीं भी आपको डाउट हो तो आप आसानी से पूछ सकते हैं ठीक है ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास ठीक।
तो बी सेफ, कीप स्टडिंग,